सो यो व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सबका क्रिकेट ऑक्शन टीवी के एक और नए धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों बात करेंगे मुंबई वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुआ ये धारसू मुकाबला, जहां पर कि मुंबई इंडियन को ऑलमोस्ट एलिमिनेशन की कगार पर पहुंचा दिया है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने मनसूबे और पक्के कर लिए हैं प्ले ऑफ की क्वालिफिकेशन की रेस के लिए। सो बताते हैं आपको आज के मुकाबले में बेसिकली हुआ क्या, अब मुंबई इंडियन की टीम क्या क्वालिफाई कर पाएगी, ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ अंत तक। अंत में आकर अगर वीडियो पसंद आती है तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, लखनऊ वर्सेस ये मुंबई का मुकाबला हुआ था लखनऊ के होम ग्राउंड इकाना के स्टेडियम पर, जहां पर कि पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लिया। अब जब फैसला ले लिया तो मुंबई की आती है पहले बल्लेबाजी, और क्या ही ये बल्लेबाजी करती हैं, जहां पर रोहित शर्मा को ले लो, तिलक वर्मा को ले लो, आप ले लो सूर्य कुमार यादव को, हार्दिक पांड्या जो कि पहली बॉल पर ही आउट हो गए। तो ये टीम जाने वाली है हमारी T20 वर्ल्ड कप, आज ही ऐलान हुआ है और आज ही हमारी टीम ने ऑलमोस्ट हगना शुरू कर दिया है। अगर बात करें हम, ईशान किशन ठीक ठाक सी पारी खेल के गए, 36 गेंदों पर 32 रन बनाए। बात कर निहाल वडेरा की, इंपॉर्टेंट पारी थी, 46 रन बनाए लगभग 41 गेंदों पर, और जो ये वही पिच थी जहां पर टिम डेविड ने 18 गेंदों पर 35 रन बना दिए। सो आप सोच सकते हो एक खिलाड़ी 18 में 35 बना के जाता है और बाकी के रन बॉल भी नहीं बना पाते। निहाल वडेरा ने ठीक ठाक पारी खेली, और बात करनी होगी ईशान किशन की, जहाँ पर एक्सेलरेट करना था वहाँ पर वो अपना विकेट फेंक कर चले गए। सो यहाँ पर अगर बात करें मार्कस स्टोइनिस की, अच्छी गेंदबाजी हुई। बात करें मयंक यादव की, जो कि खेल रहे थे आज का मुकाबला लेकिन फिर अपने पूरे ओवर नहीं कर पाते, 5 गेंद रहते मैदान को छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ इंजरी, 100% फिट नहीं थे, इसीलिए वो आपको T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं दिखे। सो मेन रीज़न ये था। अगर बात करें अब हम और किसी बॉलर की, तो नवीन उल हक ने अच्छी गेंदबाजी करी, मोहसिन खान ने अच्छी गेंदबाजी की, रवि बिश्नोई ने भी अच्छी गेंदबाजी की, दीप हुड्डा ने भी 2 ओवर डाले जिसमें उन्होंने लगभग 13 रन दिए थे। अब टीम पहुंच जाती है 144 के स्कोर पर 7 विकेट खोकर। अब बारी आती है लखनऊ सुपर जायंट्स की, और जो इतना छोटा सा लक्ष्य है जहां पर 100-280 रन भी बन रहे हैं और लगभग ऐसा लगता है कि वो चेज भी हो जाएंगे, वहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की इस स्कोर को चेज करने में हवा टाइट हो जाती है। आज नहीं खेल रहे थे डिकॉक, तो उनकी जगह पर एक यंग ओपनर को मौका मिला जो थे अश्विन कुलकर्णी, वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जल्दी क्या पहली गेंद पर आउट हो जाते हैं, शिकार बनते हैं नुअंत इशारा का। केएल राहुल आते हैं 22 गेंदों पर 28 रन बनाते हैं, तो मतलब पूरी उम्मीद लगा रखी थी कि इस मैच को लास्ट तक ले जाएंगे, थ्रिल बना देंगे, लो स्कोरिंग है तो क्या हुआ, स्क्रिप्ट वही है लास्ट ओवर में जाने वाली। बात करें स्टोइनिस की, स्टोइनिस की मदद से ये मुकाबला जीत पाती है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, अब प्लेऑफ के काफी ज्यादा करीब हो जाती है। बात करें बॉलिंग की, तो बॉलिंग खासकर किसी की भी ज्यादा चली नहीं, नुअंत इशारा 4 ओवर में 30 रन 1 विकेट, जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 17 रन, विराट कोहली 3 में 29 1 विकेट, और ऐसा करते करते हार्दिक पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 26 रन दिए, 2 विकेट ले लिए, तो चलो बॉलिंग से तो कंट्रीब्यूट कर पाए इस मैच में, बॉलिंग इनका सबसे बड़ा कंसर्न था। अगर बात करें हम इनको लेके जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, तो सो बस मैच हो जाता है खत्म। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम तो अब 2 कदम दूर है प्लेऑफ की दहलीज से, खेले हैं 10 मुकाबले, जीते हैं 6 मुकाबले, हारे हैं मात्र 4 मुकाबले, यहां से अगर बचे हुए 4 में से 2 जीत जाते हैं ये कर जाएंगे क्वालिफाई प्लेऑफ के लिए। बात करें मुंबई की, तो मुंबई ने खेले हैं 10 मुकाबले, जीते हैं मात्र 3, हारे हैं 7 मुकाबले, अब एक मात्र जा सकते हैं 14 अंकों पर, मतलब इनका सिनेरियो वही हो चुका है जो कि आरसीबी का था। तो आरसीबी मुंबई एक ही कश्ती की सवारी कर रहे हैं और मुझे लगता है दोनों ही में से कोई भी टीम क्वालिफाई अब नहीं करने वाली। अब बारी है कल पंजाब किंग्स की, जिनका मुकाबला है कल चेन्नई सुपर किंग्स से। अगर पंजाब हार जाती है तो उनका भी सेम सिनेरियो हो जाएगा मुंबई और आरसीबी की तरह, लेकिन अगर जीत जाती है और आरसीबी सीएसके हार जाती है तो सीएसके के लिए और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो बस यही था आज की छोटी सी वीडियो में, आप बताइए आपके हिसाब से बाकी की 3 और कौन सी टीमें होने वाली हैं जो करेंगी क्वालिफाई प्लेऑफ के लिए। मुझे लग रहा है केकेआर की टीम ऑलरेडी ऑलमोस्ट थ्रू कर जाएगी, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ऑलमोस्ट थ्रू कर जाएगी, और एसआरएस चेन्नई में से कोई एक टीम ही क्वालिफाई पाएगी, मेरा यह मानना है। आपका मानना है क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिए। बस यही था आज की छोटी सी वीडियो में, मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।